students and parents, hope you all are well. Today we will do in book 8. Today we will do page number 41. Today we will do jumble up 2. Okay students, so you also open your book and take out your pencil and eraser. Today we will rearrange the letters under the picture to form the correct word. यहाँ पे जो इमेज है उसके नीचे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो जंबल्ड है, उसको हम सही से अरेंज करेंगे तो उसके जो इमेज है उसका राइट वर्ड हमें मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, राइट इट इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे जो स्पेस दिया है उसके अंदर हमें लिखना है. हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ कुक, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, KOOC. स्पेलिंग क्या होता है कुक का, COOK. सो यू हैव राइट COOK, कुक. ओके, आफ्टर देन हियर देयर इज अ इमेज, यहाँ पे आपकी बुक में क्या इमेज है, रूट दिखा है जो जमीन के अंदर रहते हैं, और यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिखा है, TOR T. तो हमें इसको अरेंज करना है सही से, रूट का स्पेलिंग क्या आएगा, ROOT. सो यू विल राइट ROOT, रूट. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज द इमेज ऑफ अ गोट, आपकी बुक में इमेज क्या है, गोट है. सो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है क्या है, TOAG. जबकि स्पेलिंग क्या आएगा गोट का, GOAT. ओके, सो हियर वी हैव टू राइट GOAT, गोट. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज द इमेज ऑफ अ होम, होम के ऊपर जो रूफ है, छत है, उसको पॉइंट करके लिखा है, तो हमें यहाँ पे रूफ का स्पेलिंग लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, FOOR, जबकि रूफ का स्पेलिंग क्या होता है, ROOF होता है, रूफ. सो हियर आई विल राइट ROOF, रूफ. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ कॉइल, जो मॉस्किटो को भगाने वाला कॉइल दिखाया है, तो उसके लिए स्पेलिंग इस यहाँ पे क्या लिखा है, COOL लिखा है. ओके, जबकि स्पेलिंग क्या आएगा, कॉइल का स्पेलिंग आएगा COIL आएगा. ओके, सो हियर देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने यहाँ पे दिया है, जो हमें ध्यान रखना है, COIL होता है स्पेलिंग. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू अरेंज इट. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ पीस ऑफ जो ब्रेड का जो है उसका जो आटा है इसको लोफ, तो यहाँ पे FLOA लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, लोफ लिखना है, LOAF लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू आई विल राइट LOAF, लोफ. ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज ऑफ अ स्विमिंग पूल, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पूल लिखना है, POOL लिखा है, हमें पूल लिखना है, तो पूल का स्पेलिंग क्या होगा, POOL होगा. ओके स्टूडेंट्स, POOL, पूल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ इमेज, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि हम कप सॉसर के अंदर जो है टी उसको पॉर कर रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं. ओके, कप के अंदर टी पॉर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, OUR P लिखा है, जबकि पॉर का स्पेलिंग क्या आएगा, POUR आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई विल राइट POUR, पॉर, पॉर यानी डालना. ओके, कोई भी लिक्विड को हम किसी में भी डालते हैं. ओके, तो दैट इज फॉर पॉर. ओके, सो यू कंप्लीट दिस मच. ओके, एंड राइट प्रॉपरली एंड स्पीक 2 to 3 टाइम्स ये स्पेलिंग्स आपको बोलनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कंप्लीट दिस मच, द रिमेनिंग वर्क दैट वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम.